हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्मिस किचन। तो आज का व्लॉग है, तो आज मैं अभी अपने हस्बैंड को थोड़ा सा सरप्राइज देने जा रही हूँ, और वो सरप्राइज ये है कि मैं अब साड़ी पहनूंगी। बस इतना ही सरप्राइज है उनके लिए कि जब मैं साड़ी में होती हूँ तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं जो है साड़ी में ज्यादा कम्फर्ट नहीं फील कर पाती हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे एक तो गाउन जो पूरा मैक्सी टाइप ड्रेसेस जो होते हैं, सिंगल ड्रेसेस, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। प्लस मैं सूट में थोड़ा प्रेफर करती हूँ, सूट को ज्यादा अच्छा लगता है। गर्मी में तो मैं गाउन में ही रहना पसंद करती हूँ। आई थिंक ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करूँ। तो आज मैं साड़ी पहनती हूँ, और देखते हैं जब वो शाम को आएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और फिर आप लोग भी मुझे बताएंगे कि मैं साड़ी पहनूं या नहीं। आप कहेंगे तो भी शायद नहीं पहनूंगी, पर फिर भी बताइएगा जरूर। कि फिर भी हो सकता है एक्स वाई जेड की अगर पब्लिक डिमांड हो या पब्लिक की राय हो कि हाँ साड़ी पहनना अच्छा है तो मैं जरूर पहनूंगी। साड़ी पहनना अच्छा लगता है, पर फिर उसके बाद मुझे काम करना वो कंफर्ट नहीं रहता है, और गर्मी में नहीं खास, और सर्दियों में फिर भी मैं पहन लेती हूँ, पर गर्मियों में नहीं हो पाता है। इसलिए पसीना देखिए कितना हो रहा है, फैन ऑफ करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज उसमें नहीं आएगी। तो मैं जल्दी से साड़ी पहनती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं 6:30 तक वो आएंगे, उनका क्या रिएक्शन होता है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं ये बिल्कुल हल्की सी साड़ी पहनूंगी जो बिल्कुल लाइट वेट है। और बस वेट कर रहे हैं कि आज रिएक्शन क्या होगा। पहले बेटा आया है, सब लोग साथ में ही आ गए हैं बच्चे ट्यूशन से, एंड ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली ने पता लग गया कि मैंने सामने कैमरा लगाया हुआ है, ये मेरी बेटी बोल रही है, तो कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। तो कुछ बोला या ना बोला हो, पर साड़ी पहनने का एक फ़ायदा हुआ कि आज काफ़ी दिन के बाद एक आउटिंग हो गई इनकी और मेरी, और हम लोग एक छोटी सी ट्रीट के मतलब थोड़ा बहुत कुछ बाहर खा पी कर आ गए, क्योंकि हमारे जो नेबरहुड में एक मैरिज है तो बच्चे शाम को वहाँ जाएंगे, तो हम लोग थोड़ा सा इवनिंग में ये एक नया छोटा सा खाने का स्टॉल जैसा खुला हुआ है यहाँ, तो यहाँ कुछ खाने आए हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। पर कुछ छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, जस्ट छोटा सा एक है, दो बेंचें पड़ी हैं, पर क्योंकि खाने की कुछ ज़्यादा इच्छा थी नहीं मेरी, बाहर का इस समय बिल्कुल अवॉइड कर रखा है, तो हमने भेलपूरी ऑर्डर करी और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक, दैट्स इट। दो बड़े बड़े और हैवी लोगों के बीच में एक प्लेट भेलपूरी और एक कोल्ड ड्रिंक, इतना ही ऑर्डर किया। साड़ी मतलब यूजुअल पहनती हूँ, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था, पर अक्सर जब भी यूजुअली अब जब मैं कभी पहनती हूँ तो ये भी बोलते हैं कि हाँ कोई बात है, या कहीं गई थी, बच्चे भी देख के थोड़ा ज़्यादा समझ जाते हैं कि मम्मी ने साड़ी पहनी, तो दैट्स इट, कि कहीं मम्मी कहीं गई होगी या कोई फंक्शन होगा, ऐसी अटकलें ज़रूर लगाई जाती हैं, और मोहल्ले में भी लोग देखते हैं तो जिस दिन साड़ी पहन लो तो उस दिन ज़रूर ये क्वेश्चन होता है कि या तो कहीं गए थे, या कहीं मार्केट जाना है, या कहीं, मतलब नोटिस में आ ही जाता है। तो भेलपूरी हमारी रेडी हो रही है, ये एक प्लेट भेलपूरी जस्ट फॉर 20 रुपीज़, एक छोटी सी ये पार्टी करके आए हैं हम लोग,
अच्छा था जहाँ तक ये पूरा जो ब्लॉग है वो साड़ी 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 से रिलेटेड है। तो साड़ी तो जस्ट एक बहाना था, एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के सामने राइज कर दिया जस्ट एज अ सरप्राइज, क्योंकि कपड़े मेरे ख्याल वही पहनने चाहिए जो आदमी को खुद से कंफर्ट लगे। अगर आप उसमें कंफर्ट फील करते हो तो आप वही पहनो, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बट यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो बेसिकली साड़ी और लहंगे का है, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ओकेजनली पहनती हूँ मैं ये सब चीज़ें, पर डेली में नहीं। प्रेफरेंस सूट को है, घर में रहते हैं तो ठीक है, हल्का फुल्का जो भी है, जो भी कंफर्टेबल, मेन थिंग है कि हमारा कंफर्ट उसमें होना चाहिए, उस चीज़ों पे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। तो बस इसे ट्रीट समझ लिया जाए, आज की एक साड़ी पहनने की एक ट्रीट मिल गई है, क्योंकि पहना था इसलिए मार्केट जाना आसान हो गया। वरना अगर मैक्सी वगैरह में होती हूँ घर में तो फिर आलस होता है कि कौन बदले चेंज करे और फिर जाए। तो यार छोटी ट्रीट जो हमारी ओवर हो गई है, नाउ बैक टू पवेलियन। और इस तरीके से ये मुझे रोड को शूट करना बहुत अच्छा लगता है, जब रोड आपके साथ साथ चलता है ऐसा लगता है। बचपन में जब ट्रेन में या बस में जाते थे ऐसा लगता था कि चीज़ें हमारे साथ दौड़ रही हैं, तो वही एक चीज़ मुझे अभी भी बहुत पसंद है इस तरीके से रोड को शूट करना, कि रोड चल रहा है बहुत तेज़ी से और ऐसा लगता है कि इसके साथ हम भी बस दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। एंड हियर स्टिल संजू अभी लगी हुई है मूवी, मूवी अच्छी है काफ़ी, एक लाइफ को ठीक है दिखाया है, अच्छा लग रहा है। एंड जस्ट गोइंग गोइंग गोइंग। तो और ये इस तरीके से बैक में लेना बहुत अच्छा लगता है, जब सब कुछ पीछे छोड़ रहे हैं आप, ये गए 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 एकदम पीछे 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 सब छूटता जा रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी लाइफ को आप आगे अचीव कर रहे हैं और पीछे जो आपका साथ का पीछे सब छूटता जा रहा है। यानी कि ज़िंदगी में एक आप कोई भी एक फ़लसफा ले सकते हैं, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। और जस्ट घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि घर के बगल में ही शादी है दो घर छोड़ के, तो इस समय बारात का आना है, तो हम लोगों ने पहले ही जल्दी से घर वापस जाना ठीक समझा, ताकि थोड़ा जो कंजस्टेड हो जाएगा रोड भर जाएगा उस वजह से, ये पता नहीं कि अंदर ही गली में आएगी बारात, ये भी नहीं पता है। और अभी हम जहाँ से आ रहे थे वहाँ पीछे बारात आ ही रही थी, तो ये मुझे घर छोड़ के चले गए हैं, साड़ी वाला सस्पेंशन खराब ख़त्म हो गया है। बारात जो है इधर गली में नहीं आई, वो पीछे से उधर सामने से घूम के चली गई है। और बारात से जुड़ी एक बात है कि एक जो बैंड की जो आवाज़ होती है वो अक्सर हमें प्रोवोक करती है कि वी कांट इवन सिट साइलेंटली, हम चुप नहीं बैठ पाते हैं, मतलब फोर्स ऐसा। पर्सनली जो मेरा फीलिंग है वो ये है कि एक बार ये होता है कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन देखने के लिए उठना ही पड़ जाता है, कि एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि चलो देखो देखो देखो। तो इस तरीके से बरातें आप लोगों ने भी देखी होंगी कि ऐसा ही फील किया है कि जब कोई बारात आती है तो पता नहीं कैसा एक वो ऐसा म्यूज़िक होता है कि आप बैठ नहीं पाते हो, आप बाहर जाके देखते ही हो, और इस मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोकेलिटी होती है इनमें देखने में बड़ा मज़ा आता है, इस तरीके से सभी बाहर आ जाते हैं। आई थिंक फ्लैट सिस्टम में तो जो कॉलोनीज़ होती हैं उनमें तो ऐसा सुख नहीं मिलता होगा मेरे ख्याल से लोगों को, जो कि इस मोहल्ला गिरी में मिलता है। और म्यूज़िक चल रहा है और ऐसा म्यूज़िक चलता है मन करता है कि खुद ही डांस करने लगो। तो जो आज का ये ब्लॉग था मेरा, जो साड़ी से शुरू हुआ और कुल मिला के आगे जाके ये साड़ी पर ही ख़त्म हो रहा है, तो आज मैंने साड़ी पहनी, आपको कैसा लगा बता आज साड़ी पहनने का सरप्राइज था आपके लिए? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, साड़ी में अच्छी लगती हो? अच्छा, साड़ी ही पहना करो। मुझे तो नहीं अच्छी लगती साड़ी पहननी, इसीलिए तो कहता हूँ पहना करो अच्छी लगेगी। तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मेरे को अच्छी लगती है, पर मुझे पसंद नहीं है। तो साड़ी की ट्रीट दी थी आज आपने मुझे। यस। तो मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। तो आज आधा दिन साड़ी में हो गया और साड़ी का सरप्राइज मुझे मिला, एक ट्रीट भेलपुरी की।
और एक कोल्ड ड्रिंक की, पर मैं साड़ी नहीं पहनूंगी आगे से। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, साड़ी का व्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।